अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार पाए की रेसिपी। सिंपल भी है, बहुत टेस्टी भी है। पाए की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी हमने गाढ़ी बनाई है क्योंकि हम रोटी के साथ खाने वाले हैं। तंदूरी रोटी इसके साथ हमने खाई है। तंदूरी रोटी के साथ पाए, निहारी, ये तो बहुत मज़े की लगती है। ये देख सकते हैं अच्छे से पाए भी हमारे गल चुके हैं, और ये देख सकते हैं कितने मज़े की है ना। चलो देखते हैं रेसिपी। पाए लिए हमने, ये 8 पाए लिए थे, लेकिन पाए हमारे बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, बहुत छोटे बट्टे के। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ करके रख दिया है। अब एक कुकर लिया है, उसके अंदर हम तेल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ही तेल डालना है, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का कच्ची स्मेल जो आती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ये देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने 1 बड़ी साइज़ की ली थी और उसको हमने पीस लिया था मिक्सर में। ये इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं हम 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। प्याज का कलर हमारे हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी 1 बड़ी साइज़ की ली थी हमने और इसको भी हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। हमने टमाटर और प्याज दोनों का पेस्ट ही बनाकर यूज़ किया है। अब टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसका तेल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से भूनते रहेंगे और ये टमाटर और प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हमने डाली हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भरकर डालेंगे हम धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, और हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे काला मिर्ची का पाउडर, वो भी 1 चम्मच डाला है हमने। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमको सर्दी है तब उस हिसाब से हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक भून लेंगे। अगर आपको ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ताकि मसाला जले नहीं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम दही डालेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे इसे भी। ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसके अंदर हम पाए डाल देंगे। अब पाए डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक डाला है, और 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। और सारे मसाले और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। 1 मिनट के लिए तकरीबन हम मसालों के साथ पाए को भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1.5 से 2 ग्लास आप पानी डाल सकते हैं, जितना आपको सूप चाहिए उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने 2 ग्लास पानी डाला है ताकि पाए भी अच्छे से पक जाए। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कुकर को ढककर रख देंगे और 8 से 10 सीटी लेंगे, जब तक कि हमारे पाए अच्छे से गल ना जाए। उतनी देर तक हम उसको सीटी लेंगे और अच्छे से गला लेंगे। हमारे पाए को 12 से 15 सीटी लगी गलाने के लिए, और ये देख सकते हैं हमने अभी भी पकने के लिए रख दिया था यहाँ पर। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी थी और पाए हमारे अच्छे से गल गए। अब जाके अच्छे से गले हैं हमारे पाए, अब दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ना, अच्छे से गल गए हैं। और थिकनेस देख सकते हैं, हमको इस तरह से थिक चाहिए, इस तरह से गाढ़ा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो पतला कर सकते हैं। हमने कहा ना, रोटी के साथ इस तरह का थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, गैस की फ्लेम बंद करेंगे
और पाए को सर्व कर लेंगे। ये निकाल लेते हम, ये देख सकते कितने अच्छे से गला हुआ है। अब उसके साथ मज़ेदार सी तंदूरी रोटी और पाया, बहुत मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।